아신다면 충전을! 종을 세 개 가지신 임금님은 누구일까요? 헬로 에브리원, 웰컴 백. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किंग यंगजू के जाने के बाद सॉन्ग दिव उससे पूछती है, आप ठीक हो? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? किंग जोंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मेरे पास रहो। सॉन्ग दिव उससे पूछती है कि आप ये सब बर्दाश्त इसलिए करते हो कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं? ये सुनने के बाद किंग जोंग इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए ये सब बर्दाश्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि दर्द क्या है और ये भी जानता हूँ कि कितने लोग तकलीफ में हैं। मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत से प्लान्स हैं, बस मेरे साथ रहो। ये सुनने के बाद सॉन्ग दिव किंग जोंग के कमरे के अंदर जाती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। किंग जोंग उसे बाहर जाने का कहता है क्योंकि किसी को भी कमरे के अंदर आने की इजाज़त नहीं, पर सॉन्ग दुक नहीं जाती और उससे वादा करती है कि उसके बादशाह बनने तक उसके साथ रहेगी। ये सब बोलने के बाद वो किंग जोंग को रिस्पेक्ट देती है। उसकी बातें सुनने के बाद किंग जोंग उसे देखता ही रहता है। उसके बाद किंग जोंग सॉन्ग दिव को अपने खुफिया मीटिंग में जाने का कहता है। नेक्स्ट डे लेडी सुई बाकी मेट्स के साथ आती है और सॉन्ग दिव को जाने का कहती है। सॉन्ग दिव किंग जोंग को देखने के बाद चुपके से दरवाजे के सामने बुक रखती है और वहां से चली जाती है और जाकर होंग दिव से मिलती है और उसे मीटिंग में आने की इजाज़त मांगती है। उसके बाद सॉन्ग दिव को उस मीटिंग रूम में जाते हुए दिखाया जाता है जहां होंग दिव के साथ सारे मेंबर्स होते हैं। सॉन्ग दिव जाके बैठ जाती है और कहती है कि किंग जोंग ने प्रिंसेस हवान और उसके सौतेले बेटे पर नज़र रखने का कहा है और कहा है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो किंग यंगजू को मना पाए। सब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन है जो किंग यंगजू को राजी कर पाएगा। सॉन्ग दिव कुछ बताना चाहती है पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सॉन्ग दिव और होंग दिव वहां से जा रहे होते हैं। होंग दिव उससे वो बात पूछता है जो वो कहना चाहती थी। सॉन्ग दिव कहती है, सब ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये काम एक लड़की भी कर सकती है? होंग दिव कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मामूली कोर लेडी हमारी टीम में शामिल होगी और कहता है कि वो लोग एक महिला को इस काम के लिए इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि वो किसी से भी छुपके से नहीं मिल सकती, पर उसके ख्याल में सॉन्ग दिव ये काम कर सकती है। सॉन्ग दिव दूर से क्वीन जंगसून को देख रही होती है और सोच लेती है कि वो किंग जोंग की हेल्प के लिए क्वीन जंगसून से बात करेगी। उसके बाद सॉन्ग दिव किंग जोंग के पास जाती है और बताती है कि मैंने मेंबर्स को आपका इरादा बता दिया है और मजीद कहती है कि ये काम मैं करना चाहती हूँ। वो उससे क्वीन जंगसून के पास जाने की इजाज़त मांगती है। उसके बाद क्वीन जंगसून के कहने पर दावत की तैयारियाँ की गयी। प्रिंसेस हुआन वहां अपने दोस्तों के साथ आती है और बहुत खुश दिखाई देती है, पर जैसे ही वो सॉन्ग दुक को देखती है उसकी खुशी गुम हो जाती है और सॉन्ग दुक पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की। वो उसे जाने का कहती है। तभी जंगसून आती है और हुआन से कहती है कि मैंने ही इसे यहाँ आने की इजाज़त दी क्योंकि बिन होने इसे यहाँ भेजा है, इसलिए मैंने इसे सिल्क सेरेमनी की प्रिपेयरिंग करने का कहा है। ये सुनने के बाद हुआन अपने दोस्तों के साथ बैठ जाती है और जंगसून से कहती है कि मेरे मेहमानों को रॉयल विला देखने की इजाज़त दें, पर जंगसून मना कर देती है और हुआन के मेहमानों से कहती है कि इस बात से किंग यंगजू नाराज हो जाएंगे। मामा पर हुआन कहती है कि मैं जो कुछ भी कर लूं किंग यंगजू नाराज नहीं होंगे। वो अपने दोस्तों से कहती है कि क्वीन जंगसून की बातों को इग्नोर करो। हुआन की दोस्तें खुश हो जाती हैं। उसकी बातें सुनकर क्वीन जंगसून उदास हो जाती है क्योंकि हुआन ने उनकी इंसल्ट कर दी। उसके बाद सॉन्ग दिव क्वीन जंगसून के पास हेल्प मांगने के लिए आई होती है, पर जंगसून उससे पूछती है कि तुम्हारी नज़र में मैं कैसी महिला हूँ, क्या मैं एक बुरी महारानी हूँ? सॉन्ग दिव कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो अपने आने की वजह बताने ही वाली होती है कि क्वीन जंगसून उसकी बात काट देती है और उससे पहेलियाँ पूछने लगती है, जिसके बाद सॉन्ग दिव
किंग जोंग के पास जाती है और उसे बताती है कि क्वीन जंगसून ने मुझसे पूछा कि मेरी नज़र में वो कैसी महिला है और मुझसे तीन पहेलियाँ भी पूछी, पर मेरे पास उनका जवाब नहीं था। किंग जोंग बताता है कि क्वीन जंगसून जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। फिर वो उसे तीनों पहेलियाँ पूछता है। दुनिया की सबसे गहरी खाई, इंसान का दिल, दुनिया का हार्डेस्ट स्किल सिमित, दुनिया का सबसे कीमती फूल, कॉटन फ्लावर यानी के कपास का फूल। तीनों पहेलियों का आसान जवाब सुनकर सोंग द्यूक शर्मिंदा हो जाती है। किंग जोंग कहता है कि तुम्हें भी उनसे मुश्किल पहेली पूछनी चाहिए थी। सोंग द्यूक कहती है मैंने पूछा, पर क्वीन जंगसून जवाब देने के मूड में नहीं थी। किंग जोंग कहता है वाकई, तो बताओ क्या पूछा तुमने। सोंग द्यूक कहती है उस बादशाह का नाम बताओ जिसके पास तीन डिफरेंट किस्म की बेल्स हैं। ये बताते वक्त सोंग द्यूक बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि उसने बहुत मुश्किल पहेली पूछी है। किंग जोंग उसका आंसर देता है और दरवाजे में मारता है और उसे कहता है कि तुम इसे पहेली कहती हो। सोंग द्यूक फिर शर्मिंदा हो जाती है। क्वीन जंगसून के बाद अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने व्यूअर से एक सवाल पूछ ही लूं। कमेंट में आपसे सवाल पूछा गया है, उसका सही आंसर दें। उसके बाद वो उसे जाने का कहता है क्योंकि उसे फिक्र है कि कहीं किंग यंगजू से यहाँ देख न ले। फिर वो सोंग द्यूक को उसके नाम से बुलाता है। सोंग द्यूक हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार किंग जोंग ने उसे उसके नाम से बुलाया। किंग जोंग उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि अगर मैं बादशाह बनना चाहता हूँ तो मुझे क्वीन जंगसून की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर वो उसे थैंक्स बोलता है हेल्प करने के लिए। ये सुनकर सोंग द्यूक खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कुछ बोलोगे। किंग जोंग उससे कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो। ये सुनकर सोंग द्यूक चौंक जाती है और शर्मा के वहाँ से चली जाती है। किंग जोंग उसकी पहली याद करके हंस रहा होता है। उसके बाद क्वीन जंगसून को दिखाया जाता है, वो मिरर में अपना चेहरा देख रही होती है। फिर उसे सोंग द्यूक की बात याद आती है कि किंग जोंग उसका आईना है। नेक्स्ट डे क्वीन जंगसून सोंग द्यूक को अपने महल बुलाती है और उसे कहती है कि मैं किंग जोंग की हेल्प तब करूंगी जब तुम मेरा एक काम करोगी। सोंग द्यूक उसे हुक्म देने का कहती है। जिसके बाद क्वीन जंगसून सिल्क सेरेमनी की तैयारियां देख रही होती है। वहीं पर वो सोंग द्यूक को एक तरफ ले जाकर कहती है कि प्रिंसेस हुआन की एक गलती तलाश करो, जिसे सुनकर किंग यंगजू उससे नाराज हो जाए। देखते हैं तुम मुझे खुश कर पाओगी या नहीं। और यहीं पर पार्ट 10 एंड होता है। क्या सोंग द्यूक क्वीन जंगसून को खुश कर पाएगी या नहीं? क्या किंग जोंग को आज़ादी दिला पाएगी या नहीं? ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।